यार ये मेरा भाई है, कोई भी कमेंट करता है गलत ही कमेंट करता है। मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये नहीं गलत कमेंट कर दिया तो वो दुश्मन हो गया, ये हो गया। नहीं, वो मेरा भाई है। तो जो भी होगा वीडियो को बुरा मान देखकर बुरा मान रहे होंगे, जो भी कमेंट किए हैं गलत, वो वीडियो मेरा देख रहे होंगे और बुरा मान रहे होंगे, तो फाइनली मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गलत इस वीडियो में नहीं बोला हूँ यार। आपको सबको समझाया हूँ, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहा है, बहुत मेहनत लगता है। जब वीडियो आप वीडियो क्रिएटर बनोगे, यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो डालने लगे, तब आपको दर्द महसूस होगा कमेंट का। हमने क्या वीडियो बनाया, कितना मेहनत से बना रहा है, क्या कमेंट आ रहा है। हेलो दोस्तों, वीडियो पे ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, मूड एकदम ऑफ हो जा रहा है। सही में यार, इतना गलत गलत कमेंट कर रहे हैं सब कि वीडियो बनाने का मूड ही ऑफ हो जा रहा है, एकदम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। क्या करूं यार, वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, चैनल पे काम करने का ही मन नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा कमेंट करते हो भाई? हम जानते हैं कि हमारे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, जलने वाले से ज्यादा चाहने वाले हैं। बहुत लोग अच्छा भी कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं। आखिर क्यों यार, क्यों दूसरे को डिमोटिवेट करते हो? कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, कोई बंदा मेहनत कर रहा है, तो करने दो ना, उस बंदे को क्यों डिमोटिवेट करते हो? मन ही नहीं कर रहा है, एकदम साफ मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं यार। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत छुप छुप के वीडियो बनता है, घर वालों का ताना सुनना पड़ता है, गांव वालों का ताना सुनना पड़ता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ही छुप छुप के बनाता हूँ, क्योंकि गांव वालों का भी ताना सुनना पड़ता है। फाइनली मैं आया हूँ अभी दुकान पर, दुकान पर आता हूँ, मालूम है कि एकदम सवेरे आता हूँ कि वीडियो शूट हो जाएगा, कि कोई बंदा देखेगा नहीं, चौराहे पर कोई रहेगा नहीं सवेरे, तब तक मैं वीडियो शूट कर लूँगा। इतना परिश्रम करके वीडियो बनता है, उसके बाद भी आप दूसरे को डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसा मत करो यार। कोई अच्छा अच्छा कमेंट करो यार, बहुत लोग हैं जो अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इतना गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि डिमोटिवेट कर दे रहे हैं यार, एकदम मूड ऑफ कर दे रहे हैं। क्या करूं, चैनल छोड़ दूं या क्या करूं? इतना मेहनत करके, इतना सपना से मैंने आईफोन भी लिया, इतना पैसा कर्जी करके आईफोन भी लिया, उसके बाद माइक भी रखा हूँ, वायरलेस माइक भी खरीदा हूँ, वो भी बक्से में रख दिया हूँ। क्यों? यही गांव वाले भी ताना दे रहे हैं, उसके बाद ताना सुनते सुनते मूड ऑफ हो गया, इसे छुप कर वीडियो बनाने लगा, माइक को रख दिया बक्से में। ऊपर से हम सोचे कि छुप छुप कर मांगे, बाहरी लोग तो हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं गलत कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऑनलाइन भी मूड ऑफ हो जा रहा है। नहीं तो इतना पैसा बर्बाद करने का कोई थी नहीं होता, माइक कर लो, आईफोन कर लो, कैमरा शूट करने के लिए। हद होती यार, ये कोई ऐसा कोई बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, एक सब्जी बेचने वाला आदमी हूँ। देखो अभी दुकान पे हूँ, देखो सब्जी रखा हुआ है, अभी लगाएंगे दुकान पर। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना मेहनत से वीडियो शूट करो, 11 बजे तक हम चौराहे पे रहते हैं, सब्जी दुकान पे, चौराहे पे सब्जी दुकान है, उसके बाद चले जाते हैं मार्केट में, मार्केट में भी दुकान लगाते, समय नहीं बचता है, उसी समय में हम छुप छुप के वीडियो बनाकर अपना वीडियो कंटेंट को अपलोड करते हैं। पहले मेरा भी 0 व्यूज जाता था, एक भी व्यू नहीं, पहले सोचता था कि अगर ये कभी बंदा कोई देख लेता मेरा वीडियो तो मैं मानता कि हाँ सक्सेस हो जाऊंगा,
कम से कम 15 चैनल डिलीट किया हूँ बनाकर, बहुत ठोकर खाया हूँ। क्यों ठोकर खाया हूँ, 15 चैनल क्यों डिलीट किया हूँ, दूसरे के कहने पे, दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबरों को बहका रहे हूँ कि एक वीडियो डालो इतना वायरल हो जाएगा, नहीं वायरल होता एक वीडियो भी, एक वीडियो से नहीं कोई आगे बढ़ पाता है। जब ट्रिक मालूम हुआ तब मेरा चैनल ग्रो होने लगा, पहले पांच व्यूज आने लगा, उसके बाद 10, 20, 50 इस तरह व्यूज बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे किसी का चैनल ग्रो होता है, ये नहीं मनोदय कि तुरंत आए तुरंत उनका फेमस होगा, उनका भी जब शुरू में चैनल खोले होंगे तो उनका भी 6 महीना साल भर लगा होगा चैनल ग्रो होने में, कोई तुरंत नहीं बढ़ जाता है आगे, सबको छोटे से ही बड़ा होना पड़ता है, डायरेक्ट बड़ा नहीं हो पाता है। तो भाई देखिए, हम किसी कोई भी कुछ भी कमेंट करता है हम बुरा नहीं मानते, एकदम प्यार से, ये नहीं कि किसी को एक गाली दे एक रेटे, कुछ नहीं यार, ये मेरा भाई है, कोई भी कमेंट करता है गलत ही कमेंट करता है, मेरा भाई है मेरा बहन है, ये नहीं गलत कमेंट कर दिया तो वो दुश्मन हो गया ये हो गया, नहीं वो मेरा भाई है। कम से कम वीडियो पे तो आया तो देखा तो, जो भी होगा वीडियो को बुरा मान देखकर बुरा मान रहे होंगे, जो भी कमेंट किए हैं गलत वो वीडियो मेरा देख रहे होंगे और बुरा मान रहे होंगे, तो फाइनली मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गलत इस वीडियो में नहीं बोला हूँ यार, आपको सबको समझाया हूँ, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहा है, बहुत मेहनत लगता है जब वीडियो आप वीडियो क्रिएटर बनेगा, यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो डालने लगे तब आपको दर्द महसूस होगा कमेंट का, हमने क्या वीडियो बनाया, कितना मेहनत से बना रहा है, क्या कमेंट आ रहा है। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी भाइयों से, प्लीज कमेंट में बताइएगा आपका क्या राय है, और सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट आप करेंगे तो सपोर्ट मेरा भी फुल रहेगा, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा एकदम। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।